एक दिन मनोहर नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर जंगल की सैर कर रहा था, तभी उसे अपने सामने एक चमकदार जादुई घर दिखाई देता है। फिर अगले ही पल एक आदमी पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर घर के सामने आ जाता है। उसने ढेर सारे सोने के गहने पहन रखे थे। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ वहां नृत्य करने लगता है। उसके बाद घर की खिड़की खुल जाती है और उसके अंदर से ढेर सारी सोने की मुर्गियां नीचे गिरने लगती है। नृत्य करने वाला आदमी उन मुर्गियों को उठाकर खाने लगता है। यह सब देख मनोहर और उसकी पत्नी को बड़ी हैरानी होती है। फिर थोड़ी देर के बाद नृत्य करने वाला आदमी पेड़ के ऊपर चढ़कर गहरी नींद में सो जाता है। वह आदमी गहरी नींद में सो रहा है, यही अच्छा मौका है। चलो हम इस जादुई घर को अपने साथ ले चलते हैं। फिर मनोहर कार से रस्सी निकालकर उसे घर के साथ बांध देता है और कार चलाता हुआ जादुई घर को अपने साथ ले जाता है। फिर अपने गांव पहुंचने के बाद मनोहर और उसकी पत्नी जादुई घर का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर ढेर सारी सोने की मुर्गियां मौजूद थी। यह देख मनोहर और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद मनोहर कुछ सोने की मुर्गी ले जाकर बाजार में बेच देता है, जिससे उसे बहुत पैसे मिल जाते हैं। अरे वाह, ढेर सारे पैसे मिल गए, अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर अगले दिन से मनोहर रोज सोने की मुर्गियां बाजार में बेचकर पैसे हासिल करने लगता है। इस तरह कुछ ही दिनों में मनोहर और उसकी पत्नी दोनों बहुत धनवान बन जाते हैं। दूसरी तरफ उस जंगल के पास मौजूद गांव के लोग जब तालाब के किनारे जाते हैं तो वहां जादुई घर उन्हें दिखाई नहीं देता। हे भगवान, ये क्या हो गया? अचानक जादुई घर कहां गायब हो गया? मुझे तो लगता है किसी लालची आदमी ने उस जादुई घर को चुरा लिया है। हमें किसी भी तरह जादुई घर को ढूंढना होगा। उस घर की शक्तियों के कारण हमारा गांव सुरक्षित है, वरना गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन उस घर की रक्षा करने वाला भोला कहां चला गया? तभी वे सभी लोग पेड़ के ऊपर भोला को सोते हुए देखते हैं। भोला उस समय गहरी नींद में सो रहा था। फिर गांव वाले भोला को नींद से जगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भोला नहीं जागता। दूसरी तरफ जादुई घर के चोरी हो जाने से उस गांव में तेज भूकंप और बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से गांव के सभी घर टूटकर तहस नहस हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरा गांव बर्बाद हो जाता है। उस जादुई घर के जाने से हमारा गांव पूरी तरह तहस नहस हो गया है। पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे होगा। तभी वहां सौरभ नाम का लड़का दौड़ता हुआ आ जाता है। चाचा जी, पास के गांव में रहने वाले मनोहर नाम के लालची आदमी ने जंगल से जादुई घर को चुराया है। चलो चलकर उसकी पिटाई करते हैं और अपने जादुई घर को वापस जंगल में ले चलते हैं। फिर सभी लोग मनोहर के घर पहुंचकर उससे जादुई घर मांगने लगते हैं। अच्छा, तो तुम सबको जादुई घर चाहिए? ठहरो, अभी देता हूँ। इतना कहकर मनोहर घर की छत पर चढ़ जाता है। फिर मनोहर थैले से एक सुनहरी किताब निकालकर उसके मंत्र पढ़ने लगता है। अरे ये तो अनर्थ हो गया, इस आदमी ने घर के अंदर रखी जादुई किताब हासिल कर ली। अब ये किताब की मदद से जो चाहे कर सकता है। सुनो जादुई घर, मैं इन सभी लोगों की पिटाई करना चाहता हूँ। यहाँ ढेर सारे जूते प्रकट करके इन सब की पिटाई करो। बस फिर क्या था, मनोहर के इतना कहते ही घर की खिड़कियों से ढेर सारे जूते बाहर निकलकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की पिटाई करने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ये जूते कहाँ से आ गए? अरे कोई बचाओ मुझे। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। इस तरह वे जूते सभी लोगों को मार मार कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। अरे वाह, इन सब की पिटाई होते देख मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, तुम्हें और मजा आएगा। अब तुम मेरा कमाल देखो। सुनो जादुई घर, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी लोगों को चूहे के रूप में बदल दो। यह सुनते ही सौरभ वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जादुई घर बाकी के गांव वालों को चूहे के रूप में बदल देता है। जादुई घर, अब यहाँ एक बिल्ली प्रकट करो। फिर अगले ही पल जादुई घर वहाँ एक बड़ी बिल्ली प्रकट कर देता है।
फिर मनोहर के आदेश पर वह बिल्ली चूहे बने सभी गांव वालों को पकड़कर खा जाती है। मैंने सभी लोगों को खत्म कर दिया, अब कोई मुझसे ये जादुई घर मांगने नहीं आएगा। दूसरी तरफ सौरभ पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देख रहा था। इस बेरहम आदमी ने सभी गांव वालों की जान ले ली, मुझे कुछ भी करके भोला को नींद से जगाना होगा, अब वही इसे सबक सिखा सकता है। उसके बाद सौरभ अपने गांव के पास मौजूद गणेश भगवान के मंदिर में जाकर रोते हुए उनसे प्रार्थना करने लगता है। कुछ घंटों की प्रार्थना के बाद आखिरकार गणेश भगवान सौरभ के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और सौरभ के सामने जादुई जल से भरा कटोरा प्रकट कर देते हैं। फिर सौरभ जल को लेकर जंगल में चला जाता है। उसके बाद वह पेड़ पर चढ़कर भोला के ऊपर जल छिड़कने लगता है। फिर अगले ही पल भोला की नींद खुल जाती है। सौरभ रोते हुए भोला को सारी बात बता देता है। उस लालची आदमी की इतनी हिम्मत, अब मैं उसे और उसकी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, चल मेरे साथ। उसके बाद भोला सौरभ के साथ मनोहर के घर के सामने पहुंच जाता है। अच्छा तो तुम दोनों भी जादुई घर लेने आए हो, ठहरो अभी तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। लेकिन तभी भोला मनोहर की पिटाई करके उसे जमीन पर पटक देता है और उसकी छाती पर बैठ जाता है। भोला की खतरनाक आवाज सुनकर मनोहर और उसकी पत्नी दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। उसके बाद भोला मनोहर से जादुई किताब छीनकर उसके मंत्र पढ़ने लगता है और अगले ही पल जादुई घर पूरी तरह भोला के वश में आ जाता है। फिर भोला के कहने पर जादुई घर के अंदर से एक बड़ी तलवार बाहर निकलकर बिल्ली का पेट फाड़ देती है। बिल्ली के पेट में मौजूद सारे चूहे बाहर निकल आते हैं। जादुई घर इन सभी चूहों को फिर से इंसान बना दे। उसके बाद वहाँ सुनहरे पानी की बारिश होने लगती है और सारे चूहे फिर से इंसान बन जाते हैं। फिर अगले ही पल मनोहर और उसकी पत्नी दोनों भोला के कदमों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन भोला अपने गले से सोने का हार निकालकर उन दोनों के गले में पहना देता है और देखते ही देखते दोनों के शरीर में आग लग जाती है। हाय मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। हाय मर गया रे, मेरे शरीर में आग लग गई, अरे कोई बचाओ मुझे, आज मुझे पता चला कि लालच का फल कितना बुरा होता है। इस तरह अपने बुरे कर्मों के चलते दोनों पति पत्नी बेमौत मारे जाते हैं। उसके बाद भोला उस जादुई घर को लेकर वापस जंगल में चला जाता है। फिर जादुई घर की कृपा से गांव के टूटे हुए घर फिर से पहले की तरह सुंदर बन जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।